ये है अबू धाबी की बस और इब्न बतूता मॉल से मिलेगी। ये है बस स्टैंड अबू धाबी के लिए जो कि सीधा जाएगी ये अबू धाबी एयरपोर्ट। मैंने ये टिकट ले लिया अबू धाबी के लिए एयरपोर्ट के लिए बस का और ये है बस जो कि डायरेक्ट एयरपोर्ट टर्मिनल वन पे जाती है। ये 24 आवर सर्विस है ये स्पेशली एयरपोर्ट के लिए, बाकी दूसरी भी हैं जो जाती हैं। ये है अभी बस अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए। जो कि दुबई टू अबू धाबी जाती है, एक मेन सिटी में जाती है और दूसरी जाती है एयरपोर्ट पर, वो एक घंटे के बाद चलती है हर एक घंटे के बाद। उसका जो फेयर है वो है 25,000 रुपया दुबई टू अबू धाबी एयरपोर्ट। और मैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, बस निकल गई थी वो वाली, तो मुझे ये बस मिली है, ये एयरपोर्ट की बस है अबू धाबी एयरपोर्ट, और ये भी डायरेक्ट जाएगी एयरपोर्ट टर्मिनल वन पे अबू धाबी एयरपोर्ट पर। इसका फेयर है 35,000 और ये हर आधे घंटे के बाद चलती है, तो अभी 5 बजे चले चलिए और 5 मिनट बाकी है अभी चलने में। अलहमदिल्ला मैं टाइम पर पहुँची हूँ, मैं आपको मिलता हूँ एयरपोर्ट अबू धाबी एयरपोर्ट पर। छोटा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बना हुआ है। और अभी इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, इस वक्त तकरीबन 6:25 हो रहा है। अभी मैं इफ्तार करूँगा। ये डेट जो है वो है तकरीबन 9:15, तो मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊँ आपको कि मैं अलहमदिल्ला से जा रहा हूँ मस्कत ओमान, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जब भी आप किसी नई कंट्री में जाते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि नई कंट्री का विज़िट करना, नई कंट्री में जाना, देखना, एक्सप्लोर करना, एक उसका अपना अलग मज़ा होता है। तो मेरे लिए भी एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज काफ़ी टाइम के बाद एक तीसरी कंट्री में जा रहा हूँ जो कि ओमान, मस्कत ओमान है, डेस्टिनेशन वहीं पर है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अबू धाबी से, और अबू धाबी का एयरपोर्ट आपने देखा काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना हुआ, लेकिन छोटा है लेकिन खूबसूरत है। और मेरी याद ताज़ा हो गई यहाँ की अबू धाबी एयरपोर्ट की। मैं यहाँ पर आज से तकरीबन 15 साल पहले आया था अबू धाबी एयरपोर्ट से, जब मैं पाकिस्तान कराची से जा रहा था सऊदी अरबिया जद्दा पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर। तो उस वक्त मेरी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी इत्तेहाद एयरवेज से, वो
वो थी मेरी कराची एयरपोर्ट से अबू धाबी से जद्दा एयरपोर्ट। तो आज 15 साल के बाद मुझे मेरी वो याद पड़ गई। उस दिन भी मतलब एक्साइटेड था कि मेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट थी, और आज भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है वो एक नई कंट्री का विज़िट कर रहा हूँ, और फिर वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह मैं आपको जो है ओमान के मस्कत की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ओमान में। सीट मिल गया मुझे, पहले मेरी सीट थी 27D, लेकिन वहाँ पे कोई लेडीज़ थी तो ये सीट खाली थी, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बिठा दिया। बेहतरीन है ये जहाज फूल हुआ है, तो यहाँ पे स्पेसिंग भी अच्छी खासी है, बैठने की इजी होगा, अंदर बैठ सकता है। ओमान एयरपोर्ट माशाल्लाह, काफ़ी रश था विजिटर का, माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। ये है स्पेयर रूम,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह से रूम। अच्छा, लाइट ये है इसकी। ओके, रूम तो सही है माशाल्लाह से बेहतरीन। और ये विंडो है। अभी तो रात का टाइम है तो वो अभी पता नहीं चलेगा इतना, तो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से। वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको।